तो भैया एक मोटो व्लॉगर बनने के लिए मुझे ये 1.5 लाख रुपए की बाइक खरीदनी पड़ी, 30,000 का ये वाला कैमरा खरीदना पड़ा, 40,000 का ये वाला कैमरा खरीदना पड़ा, 30,000 का ये वाला कैमरा भी खरीदना पड़ा। और तो भैया कितने समय के बाद, अरे भैया तो कितने समय के बाद, अरे भैया आप ही बोल लो। अरे हमारे रावण भैया कहाँ चले गए? भैया नहीं शादी होना है तो राम। तो भैया रावण की लंका में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो और बताइए जनाब, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। और इसके बाद मुझे गर्मी का नशा हो गया और मैं भूलता चला गया और मेरा GoPro बंद होता चला गया, मतलब GoPro ऑफ, माय ऑडियो ऑन। आई डोंट नो व्हाट टू डू, मेरी हिम्मत ही खराब। तो भैया मैंने बहुत ही खतरनाक वाला सेटअप मचा दिया है, ये देखो भैया, ये गिरेगा तो नहीं, देखा जाएगा जो भी होगा। ओए होए भैया क्या बताऊँ, देखो कितनी प्यारी लग रही है यार ये देखने में, खतरनाक, कितना नज़ारा बढ़िया है यार। भैया ये रोड क्यों खोद दी इन्होंने, ऐसी इतनी पतली पतली रोड है यहाँ पर। तो भैया एक मोटो व्लॉगर बनने के लिए मुझे ये 1.5 लाख रुपए की बाइक खरीदनी पड़ी, 30,000 का ये वाला कैमरा खरीदना पड़ा, 40,000 का ये वाला कैमरा खरीदना पड़ा, 30,000 का ये वाला कैमरा भी खरीदना पड़ा। और बाकी मेरे पोटली में है, वो आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। क्या कीड़ा घुस गया क्या? तो ये सबसे पहले ये है हमारा पुराना हथियार जिसमें मैंने अपना मोटो ब्लॉग शुरू किया था। फिर उसके बाद आता है अपना ये दूसरा हथियार जो कि ना के बराबर है। वो कहते हैं ना कि जो जोश में बंदे कुछ ना कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें कर देते हैं, तो मैंने भी वही कर दिया था जब मुझे मोटो ब्लॉग का एम तक नहीं पता था। हाँ बट कभी कभार मैं इससे फोटो खींच लेता हूँ। उसके बाद आते हैं हम अपने तीसरे हथियार पे जो कि है GoPro। एक यही था अपना खतरनाक वाला हथियार जिससे मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और जीती भी, बट अब इस हथियार के दिन पूरे हो गए हैं। ये चलता है बट इसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होती है। फिर आते हैं हम अपने फोर्थ हथियार पे जो कि है ये 360 कैमरा। फिर आते हैं हम अपने एक और हथियार पे, ये भी है हमारा लिनोवो का एप्पल लैपटॉप जो कि मैंने एडिटिंग के लिए लिया था। और एक है मेरे पास खतरनाक वाला हथियार जो कि है ये डब्बा जिसमें अभी आप रिकॉर्डिंग होते हुए देख रहे हो। अब मैंने फाइनली एक और नया हथियार ले लिया है जो कि है GoPro Hero 8 ब्लैक। हाँ ये रहा, तो ये मैंने लिया है, एकदम ताज़ा ताज़ा फ्रेश माल है। इसके बाद मैंने इसके लिए ले लिया है Hero 8 का ब्लॉगिंग केस, और साथ में मैंने लिया है ये टेम्पर्ड ग्लास क्योंकि भैया नया नया तो एकदम संभाल के रखना पड़ता है ना। फटाक से अभी मैं भैया इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से ओहो इसको फाड़ने के लिए उत्सुक बैठा हूँ। आ गया भैया, ये आ गया हमारा GoPro Hero 8 ब्लैक। तो अभी इसको मैं ले जाता हूँ धुलवाने के लिए। तो अभी इसको फटाक से बढ़िया बनाते हैं। हाँ भैया ये भी कबाड़ है, इसको भी ले जाओ, ये भी कबाड़ है। तो भैया कितने समय के बाद, अरे भैया तो कितने समय के बाद, अरे भैया आप ही बोल लो। ये देखो मैंने जो अपना ये कैमरा है इसको ना कुछ हो, ये देखिए मैंने कितने बढ़िया तरीके से इसको पैक कर रखा है। बट ये खाली एक दो दिन की चांदनी होती है, इसके बाद तो ये कभी इधर पटकूंगा कभी उधर पटकूंगा। फिर भी हमको कोई रिस्क नहीं मांगता क्योंकि हमारा बहुत नुकसान हुआ है, हमारा इसका लेंस एक थोड़ा सा टुक
हमारे फ्लैंक में थोड़ा सा ये देखो छोटा सा निशान पड़ गया था, एक बार गिर गया था। तो ये देखो मैंने इसको मजबूत तरीके से इसमें ये केबल टाई बांध दी है। तो जैसा कि आप लोगों ने ये सारा सामान देखा, आप लोगों को पता नहीं है मुझे इतना दुख हो रहा है ना कि मतलब मेरा GoPro इतना सही था, मतलब कभी उसने कोई भी तकलीफ नहीं दी। हैंग होने की तकलीफ तो वो सभी को देता है, बट ऐसे कभी कोई तकलीफ नहीं दी। जितने भी क्रिएटर होंगे, जब भी वो लोग वीडियो बना के एडिटिंग के लिए बैठते होंगे ना, तो अपना लैपटॉप ओपन करने के बाद बस यही प्रे करते होंगे कि सब बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड हो रखा हो। हेलो, कैसे हो आप सब? तो ये भी हमारा एक कैमरा है जिसकी वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। तो ये भी मेरे एक मोटो व्लॉग सेटअप में है, बट ये मेरा कैमरा नहीं है वैसे, ये मैंने अपनी बहन के लिए लिया है क्योंकि वो मेकअप वीडियोस बनाती है, तो उसको ऐसा कैमरा चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये ख़रीदा। कर दिया मैंने, ओए होए, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया। अब निकलते हैं यहाँ से, टाटा। ये देखो अरे भैया, मुझे लगा अरे। अगर आप लोग भी एक मोटो व्लॉगर बनना चाहते हैं तो मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग ऐसे मेरी तरह या और किसी की तरह ये महंगी बाइक लेनी हो, बढ़िया बढ़िया एक्शन कैमरा, मतलब अभी के टाइम पे तो GoPro ही है सबसे बढ़िया, कि GoPro लेना हो आपने, मतलब कोई सी भी आपके पास बाइक है आप एक छोटा मोटा एक्शन कैमरा ले लीजिए। और अभी के टाइम पे तो मोबाइल से भी मोटो व्लॉग करते हैं लोग, उसका भी एकदम बढ़िया वाला सेटअप आ गया है। तो छोटे मोटे सेटअप से शुरू करो, जब आपको लगेगा कि हाँ आप कर सकते हो तो फिर आप अपग्रेड करो अपने कैमरे में। मैंने यही वाली बाइक लेनी थी इसलिए मैंने इसी में मोटो व्लॉग किया, कैमरे की मेरी कोई नॉलेज नहीं थी। तो यही होता है कि अगर आपको किसी की नॉलेज ना हो, किसी के बारे में नॉलेज ना हो, तो बेकार में वो चीज़ें जाती है। देखो वो मैंने 11,000 रुपये का लिया था और 6,000 रुपये का वो लिया था, क्या बोलते हैं, नॉइस का। अगर मेरे को कैमरे की नॉलेज होती तो 11 और 6 17, और उस वक्त ये GoPro Hero 7 आ जाता था 27,000 रुपये का कुछ, तो मैं 10,000 रुपये और जोड़ के सीधा GoPro ले लेता। अब जैसा मैंने बताया कि मेरे इसका जो ऑडियो है वो चल नहीं रहा था, तो इसलिए मेरा मन नहीं करा कि मैं इसमें वही पुराने तरह से इसमें वीडियोस बनाऊं, क्योंकि मुझे अब मज़ा नहीं आएगा वो अगर मैं वही करूंगा। तो लोग लाइफ में अपग्रेड होते हैं ना कि डाउनग्रेड होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई नहीं, थोड़ा वेट कर लूँगा नए कैमरे के लिए। अब हमारा पेट्रोल में खर्चा होगा और पता नहीं किस किस में क्या क्या खर्चा होगा। तो बस भाई यही था आज के मिशन में, आशा करते हैं आज का जो मिशन है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप लोगों को पता है क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले मिशन में, तब तक के लिए खल्लास।